मैं हूं अंजलि, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन लाइव। आज के इस खास रिपोर्ट में लेकर आए हैं फिर से आप सभी के लिए यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर जो बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है उस पर लगातार कई नए अपडेट्स आ रही हैं। जिस तरीके से आप सभी के सामने चीजें हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार नई रणनीतियों के साथ आ रही है, चुनाव से पहले लगातार नए नए ऐलान करती नजर आ रही है, चाहे वो 50% युवा नेताओं को जगह देने की बात हो या फिर भारत जोड़ो मुहिम हो, लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार नए नए चीजों के साथ सामने निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ी खबर अब कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आ रही है कि जब कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं के लिए इतना सब कुछ सोच रही है, अपने नेताओं के बारे में ऐसा सोच रही है, तो उसके बावजूद उनके नेता पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हार्दिक पटेल हो गुजरात से या फिर पंजाब से सुनील जाखड़ जैसे नेता हो, लगातार इस्तीफे की बात निकल कर सामने आ रही है। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। अब एक और कांग्रेस नेता का नाम सामने आ रहा है कि वो भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं, यानी कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बात कर रहे हैं राजकुमार वेरका की, जो लगातार अब इस्तीफे की बात उनकी सामने आ रही है कि वो अब इस्तीफा लेने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी जो कि ये दावा करती है कि वो अपने नेताओं की सुनती है, अपने गढ़ के लोगों की सुनती है, अपनी जनता को समझती है और उनके लिए काम करती है, वही कांग्रेस पार्टी अपनी अंतरकला को संभाल नहीं पा रही है। वही सोनिया गांधी अपने अंदरूनी चीजों को सॉल्व करती नजर नहीं आ रही। उनके नेता एक के बाद एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात करें अगर राजकुमार वेरका की, तो उनको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो अभी तक कांग्रेस पार्टी में है वो अब जल्द ही इस्तीफा दे देंगे और कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी का दरवाजा खटखटाएंगे, बीजेपी का दामन थामने की कोशिश करेंगे। लगातार खबरें आ रही हैं, आपने देखा हार्दिक पटेल सुनील जाखड़ जैसे नेता कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की राह पर चल रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीते दो दिन पहले से ही हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कहते हैं एक छोटे सिपाही की तरह बीजेपी के कार्यकाल को संभालेंगे। लेकिन बात करें यहाँ पर राजकुमार वेरका की, तो वो भी जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी को अपने नेताओं को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैठक चलने वाली है 10 जून को, उसके लिए भी जो नेता हैं, आधे नेता तो गायब होते नजर आ रहे हैं, तो आधे अभी इस बाड़ेबंदी का शिकार हो चुके हैं और 10 जून को बैठक के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। तो यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, एक के बाद एक नेता यहां पर कांग्रेस पार्टी से ओझल होते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी एक समय में विलुप्त होती नजर आएगी। खैर, आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।